हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक और स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो के ब्लॉग में। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ वाराणसी अपने दुकान का सामान लेने, तो चलिए आपको कुछ बनारस का सैर कराते हैं और सावन का महीना है भोलेनाथ का, तो उसका भी दर्शन आपको कराते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे वाराणसी का गुदौलिया चौक है, जहाँ पे यहाँ से कई जगह के लिए आप लोग जा सकते हैं। मान के चलिए बनारस का ये जान है ये चौक, इसी चौक से आप काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाट और बहुत सारी मार्केटों के लिए निकल सकते हैं। जैसे कि गुदौलिया चौक एक खुद मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार के लिए जाना जाता है, यहीं से दाल मंडी और बहुत सारे जगहों पर जाया जाता है। तो दोस्तों चलिए पहले आज आपको मैं घुमाता हूँ, अगर महादेव का टाइम चल रहा है तो पहले गंगा जी का आरती का मैं जहाँ पर होता है दशमेध घाट के उस घाट पे आपको घुमा देता हूँ और काशी विश्वनाथ टेम्पल का भी दर्शन आपको दिखा दूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों ये रोड पे, यहाँ पे आप कभी भी वाराणसी आएंगे, ज़रूरी नहीं है मतलब आप किसी फेस्टिवल पे आएंगे तभी आपको भीड़ मिलेगा। बनारस में आपको तंग गली एनी टाइम मिलेगी। अभी तो फिलहाल धूप इतना तगड़ा है, इसकी वजह से लोग कुछ कम निकले हुए हैं सड़क पर, नहीं तो बहुत सारे यहाँ पे निकले होते हैं। आप देख सकते हैं वाराणसी में सुविधा बहुत बढ़िया की गई है, जो कि पानी की जिनको पीना है भाई वो आके अपना ठंडा जल ग्रहण कर सकते हैं। बाकी आप चलिए आपको कुछ मार्केट घुमाते हुए हम ले चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं वाराणसी की बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो कि अभी तक बहुत ही पहले ज़माने की जो बनी हुई हैं, पुरानी अभी तक बनी है। दोस्तों ये देख सकते हैं ये उस रोड में मैं आपको लेके जा रहा हूँ जो कि गंगा घाट आपको दशमेध घाट डायरेक्ट ये ले जाएगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के हैं। यहाँ पे आसपास आपको साड़ियों की दुकान बहुत ही बढ़िया बनारसी साड़ियों का दुकान मिल जाएंगी, और इसी के आगे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं दोस्तों वहीं पे एक बृहस्पति भगवान का मंदिर है जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सीन है। आज बृहस्पतिवार है तो बृहस्पति भगवान का मंदिर भी सामने है, तो उनके अनुसार हम लोग चल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों गंगा घाट के किनारे हम लोग आ गए हैं। गंगा घाट के किनारे जब आप आ जाएंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं डमरू, रुद्र माला और बहुत सारी जो महादेव के चढ़ावा में लगी होती हैं वो बिकना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि अपने रोड वाले भाई लोग हैं जो दुकान रखते हैं उन्होंने अपना बेचना स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं दोपहर का टाइम है, लहलहाते धूप है, फिर भी दर्शनालु मानते नहीं हैं क्योंकि भाई भगवान का दर्शन करना सबका इच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं भीड़ एकदम खचाखच दोपहर में भी भरा है। शाम को दोस्तों अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ये यहाँ से वहाँ जाने में बहुत सारा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, पूरे सीढ़ियों पर दर्शनालु आरती देखने में बिजी रहते हैं। आप देख सकते हैं कितना चकाचक धूप है। सकते हैं दशमेध घाट पे हम लोग अभी हैं, यहाँ पे धूप बहुत सारा है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो पीछे का इस तरफ आपको ये लग रहा है जो भगवा झंडा लगा हुआ है, ये महादेव की यहाँ पे गंगा जी की आरती होती है शाम के टाइम। ये दशमेध घाट का मेन चौक है। आप देख सकते हैं सामने पूरी नाव स्टीमर और पानी की जहाज़ें लगी हुई हैं जो कि इसमें शाम के टाइम पर आपको चल चल के पूरी आरती दिखाई देती है। बाकी इस टाइम इस तरफ काशी विश्वनाथ टेम्पल है, बाकी आप देख सकते हैं ये सीढ़ी है। तो दोस्तों यहाँ का सीन हो गया, आप देख सकते हैं बहुत सारा धूप है भाई, बहुत ही। चलिए और आगे आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं और काशी। दोस्तों मेरा मार्केट हो चुका है क्योंकि मार्केट करने में ऐसे भी शाम हो गया क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खोजने में छोटा छोटा पार्ट लेट हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।